हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी हम हैं काशीराम मानेवर काशीराम चौक इको गार्डन के पास, और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको मानेवर काशीराम चौक इको गार्डन पार्क से लेकर कुकरेल फॉरेस्ट तक का पूरा रोड व्यू दिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए। और गाइस, मैं बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी हम चल रहे हैं जेल रोड पे, और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ये हमारा इको गार्डन पार्क है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं होम गार्ड मुख्यालय चौराहे के पास, और इस चौराहे से हम राइट टर्न होकर चलेंगे, कंटोनमेंट होकर चलेंगे। तो गाइस, ये सामने आप देख सकते हैं, ये हमारा होम गार्ड मुख्यालय चौराहा है, और सामने आप चले जाएंगे इधर हमारा जेल रोड को आगे चला जाता है, और हम चलेंगे अभी कुंवर जगदीश सिंह मार्ग कंटोनमेंट रोड से होके। तो गाइस, ये आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ से कंटोनमेंट का एरिया शुरू हो जाता है। और गाइस, अभी हम पहुंच गए सदर बाजार से आगे, और यहाँ से हमारा कंटोनमेंट एरिया खत्म हो जाता है, और यहाँ से हमारा ओवरब्रिज शुरू होगा जो कि नीचे हमारा लखनऊ वाली लाइन गई है। और गाइस, बता दूँ कि कंटोनमेंट एरिया का हम वीडियो नहीं बनाए क्योंकि वहाँ का वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। और सामने आप गाइस देख सकते हैं, ये हमारा ओवरब्रिज। और गाइस, अभी हम ओवरब्रिज से डाउन हो गए हैं और पहुंचने वाले फवारा चौराहा के पास। और गाइस, बता दूं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम भी लगता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, देखिए कितने ट्रैफिक है यहाँ पे। और यहाँ से मैं भी निकलेंगे, और अभी चलेंगे हम कालिदास चौराहे से आगे, लोहिया पथ से आगे। तो गाइस, अभी हम कालिदास चौराहे से होते हुए अभी हम आ गए हैं लोहिया पथ पे, और ये हमारा है लोहिया पथ जो कि 6 लेन बना हुआ है, और इसी से हम आगे चलेंगे। आगे हम 1090 चौराहे तक, और 1090 चौराहे से हम सीधा आगे जाके और लेफ्ट होके हम चलेंगे समतम ब्लॉक चौराहे से। और सामने आप गाइस देख सकते हैं, ये हमारा लोहिया पथ। और गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं 1090 चौराहे पे, और ये सामने आप देख सकते हैं, ये हमारा 1090 चौराहा, और राइट साइड में है हमारा वुमन पावर लाइन 1090 जो कि इसी के नाम पे हमारा ये 1090 चौराहा पड़ा है। तो गाइस, अभी हम 1090 चौराहे से चलेंगे सीधा, और यहीं से आप जो ये सामने गेट देख रहे हैं, यहाँ से इस रास्ते से आप जा सकते हैं अम्बेडकर पार्क और जनेश्वर मिश्र पार्क को, इस सामने जो आप देख रहे हैं गेट इससे। और हम चलेंगे अभी रथ सीधा समता मूलक चौराहे की तरफ। और गाइस, ये है पूरा हमारा 1090 चौराहा। और गाइस, इसी रोड के लेफ्ट साइड में हमारा म्यूजिकल फाउंटेन और अम्बेडकर पार्क संग्रहालय भी है, और यहीं पे हमारा गोमती पार्क भी स्थित है। और गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं लोहिया पथ ब्रिज के ऊपर, और लोहिया पथ ब्रिज के राइट साइड में हमारा है गोमती रिवर फ्रंट, और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारा रेनेसेंस होटल और एलडीए का ऑफिस और अमर उजाला का ऑफिस है, ये सामने जो आप बिल्डिंग दिख रहा है आपको राइट साइड में। और गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं समता मूलक चौराहे के पास, और अभी हम समता मूलक चौराहे से लेफ्ट होके चलेंगे कुकरेल फॉरेस्ट के लिए।
तो गाइज अभी हम समतम लोग चौराहे से लेफ्ट को हो गए हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये जो रोड है इससे लेफ्ट साइड में हमारी गोमती नदी बहती है और इसी रोड से हम आगे चलेंगे कुकरेल फॉरेस्ट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ का व्यू है और काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी है यहाँ पे। और गाइस अभी हम पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो हम अभी कुकरेल फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं। और आप गाइस आप सामने देख सकते हैं ये हमारे सामने लखनऊ मेट्रो की लाइन गई है और इस साइड में आप देख सकते हैं पूरा लखनऊ। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं लखनऊ मेट्रो की लाइन। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 1090 चौराहा है, 1090 के ऊपर चौराहे के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और सामने आप गाइज देख सकते हैं लखनऊ मेट्रो जा रही है। और गाइज ये जो आप नदी देख रहे हैं ये हमारा कुकरेल नदी है जो कि यही सेम कुकरेल फॉरेस्ट में भी गई है। तो गाइज बहुत ही बढ़िया जगह है कुकरेल फॉरेस्ट के ऊपर, मैंने पिछले ब्लॉग में वीडियो बना रखा है, अगर कुकरेल फॉरेस्ट का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं देख वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कुकरेल पार्क का वीडियो। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये राइट साइड में हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, यहाँ पे लखनऊ मेट्रो का ये लाइनें वगैरह बन रही है, ओवरब्रिज बन रहा है। और यहाँ से हम उधर आगे जाने के बाद हम यहाँ से राइट टर्न होकर चलेंगे, ये हमारा पिकनिक स्पॉट रोड जो रोड का नाम है। और वहीं इसी रोड से आगे टोकी तो जाने के बाद हमारा कुकरेल फॉरेस्ट का पूरा एरिया शुरू हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे जाम वगैरह भी थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। और गाइज अभी हम आ गए हैं पिकनिक स्पॉट रोड के ऊपर और आप लेफ्ट साइड में ये पूरा हमारा कुकरेल फॉरेस्ट का एरिया शुरू हो जाता है। और आगे हम जाएंगे थोड़ी देर आगे तो ये हमारा पिकनिक स्पॉट गेट है, वहाँ से हम लेफ्ट होकर चलेंगे अंदर की ओर कुकरेल फॉरेस्ट के लिए। और यहाँ का गाइज एरिया बहुत ही शानदार एरिया है यहाँ पर। और गाइज अभी हम पहुंच गए हैं पिकनिक स्पॉट गेट के पास और यहां से हम लेफ्ट टर्न होके और यहां पर अभी हम पहुंच गए हैं कुकरेल फॉरेस्ट के अंदर। और गाइज देख सकते हैं बहुत ही शानदार एरिया है कुकरेल पार्क का फॉरेस्ट का। और आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल पूरा एकदम घना जंगल और बिल्कुल एकदम हरा भरा जंगल है ये।
तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा ये कुकरेल फॉरेस्ट, और यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये। तो गाइस अगर आप पिकनिक वगैरह का प्लान करते हैं तो कुकरेल फॉरेस्ट में आ सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज के इस ब्लॉग में मान्यवर काशीराम चौक इको गार्डन पार्क से कुकरेल फॉरेस्ट तक का पूरा ये रोड व्यू, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा शानदार ये कुकरेल फॉरेस्ट है, पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम।